दोस्तों इसी साल हमारे इंडियन सिनेमाज में दो इतिहास रच गए। पहला है शाहरुख खान का जबरदस्त कमबैक पठान मूवी में, जिसने बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख दिया, और दूसरा आरआरआर मूवी का गाना नाटू नाटू को मिल गया ऑस्कर। अब चलिए कुछ ऐसी न्यूज बताती हूँ आप लोगों को, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड निकाल के, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे ही मजेदार मूवी रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक हम सबको पता है कि शाहरुख खान का 2023 में तीन मूवीज टोटल आने वाले हैं। एक तो पठान आ चुका है, दूसरा जवान बहुत जल्द शायद हम लोगों को देखने को मिल जाए, जिसका रिलीज डेट थोड़ा सा डाइसी है लेकिन हम लोग सब उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। और थर्ड मूवी है डंकी। अब ये जो डंकी मूवी है उसके बारे में ज्यादा पब्लिक बात ही नहीं कर रही है, लेकिन दोस्तों डंकी रिलेटेड ही बहुत ही बेहतरीन न्यूज सामने आ रही है। जैसे आरआरआर को इंडिया ने सिलेक्ट नहीं किया था ऑस्कर के लिए, लेकिन आरआरआर अल्टीमेटली ऑस्कर अवार्ड लेकर ही आ गई इंडिया के लिए। वैसे अब बताया जा रहा है कि डंकी के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इतने कॉन्फिडेंट है इस मूवी को लेकर और शाहरुख खान का दमदार रोल को लेकर इस मूवी में, कि वो अभी से ही सोच रहे हैं इस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करवा दे। आई नो ये न्यूज काफी ज्यादा डाइसी लग रहा है, बिकॉज अभी तक डंकी के बारे में पब्लिक तक कुछ ज्यादा पुख्ता इन्फॉर्मेशन पहुंचाई नहीं है। तो ये न्यूज जब पब्लिक तक आने लगी तो पब्लिक सोचने लगे कि अभी तक तो डंकी मूवी का ना ही कोई टीजर आया ना ही कोई ट्रेलर, तो कैसे इस मूवी को अभी से ही ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए चुन लिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं क्योंकि राजकुमार हिरानी जी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, और इस बार तो ऑब्वियस ही बात है शाहरुख खान जी है इस मूवी में, और शाहरुख खान का दौर बहुत ही अच्छा चल रहा है अब मूवीज में पठान के सक्सेस के बाद। तो इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन पक्का हमारे इंडियन सिनेमाज के लिए कुछ बहुत धासू साबित होने वाला है, क्यों आपको लग रहा है कि नहीं? लेकिन इस सब के बारे में हम लोग को और क्लैरिटी मिल जाएगी जब डंकी का टीजर या ट्रेलर रिलीज होगा। फिलहाल आप बताइएगा क्या आप एक्साइटेड हो शाहरुख खान के अपकमिंग मूवीज देखने के लिए, क्योंकि पहला शायद है जवान और उसके बाद डंकी। कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही मजेदार रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।